इस घटना की जानकारी आपको कब हुई? उसके बाद दुर्गेश का कॉल आया था आधे घंटे बाद, उसने बताया कि मामा का कॉल आया है और मामा कह रहे हैं कि उनको पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती बहुत मारा है और खाने ज़बरदस्ती घसीट में तब मुझे अच्छी बात और मारते मारते उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि खूब सारा खून बहा था। उन्हें पास ही वाले हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके गए लेकिन वहाँ से उनको रिफर कर दिया गया, वो लोग मेडिकल कॉलेज में ले गया। आप लोग की क्या मांग है यहाँ पे, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से हम इंसाफ चाहते हैं, फर्स्टली उन तीनों के खिलाफ, छहियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। सेकेंडली हत्या का जो हम केस उन पे दर्ज करेंगे उस पर बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्योंकि पुलिस है पूरे सबूत मिटा रही है। अभी भी हम होटल गए थे उसमें वहाँ पर भी सबूत मिटा दिए गए पूरे, तो मुझे पुलिस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। इसलिए मुझे न्याय की प्रक्रिया और छानबीन की प्रक्रिया दूसरी चाहिए। और तीसरा, मेरा 4 साल का बेटा है उसके लिए कौन अब करेगा, ये मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहती हूँ, अब मेरे बेटे के लिए कौन करेगा क्योंकि उनके प्रशासन वाले ने हत्या कर और हत्या को छुपाया था। अब हम कहाँ जाएँ?